लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चल बादल, आज की बोनी यहीं से शुरू करते हैं। देखा मैम साहब, इसे चाबुक कहते हैं। इसका इस्तेमाल बिगड़े हुए जानवर और बदतमीज इंसानों पे किया जाता है। इसका इस्तेमाल मैं भी जानती हूं। एक बार ये चाबुक मेरे हाथ लग जाए तो सारा जिस्म छन्नी छन्नी कर दूंगी। पीठ पे मारा है, सीने पे खाओगे। तुम्हारे बॉडीगार्ड की बॉडी तो मैंने तुम्हारे कार के बॉडी में रख दी है, अब रही तुम। अपने गुरूर के घोड़े से नीचे उतर और माफी मांग इस औरत से जिसकी जान तुमने अपने कार के पहियों के नीचे रख दी थी। माफी? किस बात की माफी? मैं विलायत से जरूर आई हूँ, लेकिन जानती हूँ यहाँ पे किस तरह के लोग रहते हैं। गरीब जान मूझ के हमारी गाड़ियों के नीचे आते हैं। पांव टूट गया तो 5,000 रुपए, हाथ टूट गया तो 10,000 रुपए, और अगर जान चली जाए तो 50,000 रुपए भी मांग सकते हैं। बोलो, इस बुढ़िया के जख्मों की क्या कीमत है? कीमत तो इनके जख्मों की इतनी ज्यादा है मेम साहब कि तुम्हारी सारी जायदाद, तुम्हारी सारी दौलत, तुम्हारे जिस्म की सारी बोटियां काट कर अगर तराजू पे रख दी जाए तो पूरी नहीं हो सकती, और इतनी कम भी हो सकती है कि तुम सिर्फ हाथ जोड़कर इनसे कहो कि मुझे माफ कर दो।
तुम तो इस तरह बात कर रहे हो जैसे फटे पुराने कपड़ों में लिपटी हुई ये बुढ़िया तुम्हारी माँ। ऐसा ही समझ लो, हमारे लिए तो हर माँ अपनी माँ होती है, इसलिए तुम उस वक्त तक यहां से नहीं जा सकती हो जब तक मेरी मां से माफी न मांग लो। चल माफी मांग, चल। ऑल राइट, मुझे माफ कर दो। ये बोल नहीं सकती लेकिन इनके चेहरे की झुर्रियों में दुख के हजार दास्तानों के साथ ये भी लिखा हुआ है कि जाओ बेटी, तुझे माफ किया, अब आप जा सकती हैं। चल माता जी, अस्पताल ले जाओ। चल मां, अस्पताल तो जाना ही पड़ेगा ना, ये जख्मों का इलाज कराना है। आ जा, चल। बॉडी गार्ड माय ए मोती, मां का ख्याल रखना। क्या नाम है तुम्हारा? वही जो हर औरत की जुबान पे होता है, जिसके सीने में दूसरों के लिए दर्द होता है असल में वही मर्द होता है। आज से तुझे हम राजू टांगे वाला नहीं मर टांगे वाला कहेंगे। बारे मेरे शेर, क्या बोलती मां, यही रख लूं क्या? ए बादल, अबे रात की उतरी नहीं क्या? ये भाई इधर जाने का, इधर अरे अरे इधर बाहर जाने का है, तो बाहर जाने को बोला। अरे अबे वो सड़क पीछे रह गई, बाहर चला जा भाई। ए बादल, किधर आ गया? बाल अनाथ आश्रम, अबे यहां कहां आ गया? अरे अरे बादल, अरे क्या हो गया तेरे को? अबे दवा खाने ले जाने के बजाय यतीम खाने कहां ले आया है? क्या बात है बेटे? पता नहीं बाबा, ये मेरा घोड़ा पता नहीं हमें यहां क्यों ले आया। माँ जी, इस पल्ले में क्या देख रही हो तुम? बेटे, बरसों पहले ये बेचारी अपना बच्चा इस पालने में छोड़ गई थी, ना जाने कौन उठा कर ले गया। लेकिन बादल यहां क्यों? राजू भैया, राजू भैया जल्दी चलो, हरी और साइमन अपनी बस्ती तोड़ना चाहते हैं। हरी और साइमन? हाँ। माँ जी, रामू आपको दवा खाने ले जाएगा, मुझे बस्ती पहुंचना है। ए रामू। हाँ। ये ले पैसे। माँ जी चलो, आजा शाबाश। ये बैठो, चल मोती। ये बस्ती हम किसी भी कीमत पे खाली नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। बस्ती वालों, बस्ती खाली कर दो वरना साइमन साहब तुम्हें तोप और बंदूकों से उड़ा देंगे। ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं, बना लो एक और जलियांवाला बाग यहाँ और रंग दो इस सफेद हवेली को हम गरीबों के खून से। बस्ती वालों, ये मेरी आखिरी वार्निंग है। जिद मत करिए, अपनी हत्या इस टैंक के सामने टिक नहीं सकते। टिक नहीं सकते लेकिन अपनी इस मिट्टी के लिए मिट तो सकते हैं। साइमन साहब, अंग्रेजी सरकार के पास कोई ऐसी तोप नहीं जो 40 करोड़ हिंदुस्तानियों को खामोश कर सके। साइमन, ऑर्डर। छोड़ दो मुझे, मैं नहीं जाऊंगा। एम एंड फायर।
ये सब क्या हो रहा है? लेडी हेलेना, ये लोग बगावत कर रहे थे। बगावत क्यों? 24 घंटों का टाइम देने के बाद भी इन लोगों ने बस्ती खाली करने से इनकार कर दिया। लेडी, इस इनकार को आप बगावत कहते हैं? आपके पास बस्ती खाली करवाने के कोर्ट के ऑर्डर्स हैं? सारे मुल्क पर हमारा राज है कजन हेलेना, कौन सी जगह को तोड़कर उस पर क्या बनाना है, इसके लिए हमको ऑर्डर्स लेने की जरूरत नहीं है। जनरल डायर ठीक कहते हैं। आप इस शहर के मेयर हैं, मेयर शहर को बसाता है, उजाड़ता नहीं। आई बेग योर पार्डन लेडी हेलेना, शहर की गंदगी को दूर करना शहर को उजाड़ना नहीं होता। अगर गंदगी से आपको इतनी ही नफरत है तो इन गरीबों की बस्तियों को तोड़वा करने के लिए पक्के मकान बनवाते, गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनवाते, बिना इलाज के जो ये घुट घुट के बेमौत मरते इनके लिए अस्पताल बनवाते, न कि इनने हाथों पर बंदूक और तोप चलवाते। ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं मैडम, हम तो इस बस्ती को तोड़कर यहाँ एक खूबसूरत जू बनाना चाहते हैं, जहाँ दुनिया भर के खूबसूरत जानवरों को लाकर रख सके, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, इंसानों से दिल नहीं भरा तो जानवरों की आजादी को छीन कर उन्हें कैद करना चाहते हो, ताकि विलायत जाकर अपने लोगों से कह सको कि हिंदुस्तान का इंसान ही नहीं बल्कि उसका जानवर भी तुम्हारा गुलाम है, यही ना? बस ऐसे ही सरफरे लोगों की वजह से हमारा ये देश तरक्की नहीं कर रहा, लेकिन जब यहीं पर जू बनकर तैयार होगा तब यही नहीं लोग... मेयर साहब नहीं, जब वो चिड़ियाघर बनकर तैयार होगा तो उसके बाहर एक तख्ती टांग दी जाएगी जिस पर लिखा होगा कि डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। ऐसा लगता है तुम उसी आग के शोले हो जिसे बरसों पहले मैंने इसी जगह भड़कते देखा था। छोड़ दो इसे, मैं आहारी, बस्ती वालों का जितना नुकसान हुआ है वो आप लोग अपनी जेब से भरेंगे, और इस लड़के के साथ अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई तो आपसे आपकी मेयर की कुर्सी छीन ली जाएगी। आज पहली बार पता चला कि सभी गोरों का दिल काला नहीं होता। मेन साहब, जो आज तक मैंने किसी अंग्रेज को नहीं किया वो आपको करता हूं। शुक्रिया।